नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 की 5 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्में आखिर क्यों फ्लॉप साबित हुई। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है शादी हो तो ऐसी, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और सुदीक्षा झा। फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे किरण यादव और मनोज सिंह टाइगर। फिल्म को डायरेक्ट किया था लाल बाबू पंडित ने, जो कि इससे पहले खेसारी लाल यादव के साथ 2017 पीला चंपारण, 2018 में राजा जानी और 2019 में कुली नंबर 1 जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, और ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। लेकिन शादी हो तो ऐसी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि ये फिल्म 2020 में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो फिल्म को काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिस कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि फिल्म को टेलीविजन पर काफी अच्छे दामों में बेच दिया गया, लेकिन थिएटर में ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है धर्मा, और धर्मा इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी। फिल्म को डायरेक्ट किया था अरविंद चौबे ने, जो कि इससे पहले पवन सिंह के साथ बॉस और हुकूमत जैसी बेहतरीन सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन धर्मा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म को रिलीज किया गया था दुर्गा पूजा के मौके पर, और इस फिल्म को भी काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिस कारण ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है आए हम बराती बरात लेके, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे और किरण यादव जैसे दिग्गज कलाकार। और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था पंजाबी एक्ट्रेस जसविंदर कौर ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था विशाल वर्मा में। फिल्म काफी शानदार और पारिवारिक थी, जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म के गाने भी काफी शानदार रखे गए थे। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 7 अप्रैल 2022 को, और फिल्म को अचानक ही रिलीज कर दिया गया था। फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया गया था, यहाँ तक कि जुबली स्टार निरहुआ ने भी पोस्ट करके नहीं बताया था कि उनकी फिल्म रिलीज हुई है। और इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, और जहाँ जहाँ ये फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म के थिएटर KGF चैप्टर 2 को दे दिए गए थे, जिस कारण ये फिल्म अपना बजट निकालने में नाकामयाब रही थी और फ्लॉप साबित हुई थी। इस लिस्ट की जो चौथी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में पार्ट 2, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंतू और मणि भट्टाचार्य। फिल्म में विलन का रोल निभाया था अवधेश मिश्रा और संजय पांडे ने। इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में, जो कि प्रदीप पांडे चिंतू की लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म थी, और वो फिल्म 2013 की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन उस फिल्म का सीक्वल यानी जीना तेरी गली में तू, ये फिल्म दर्शकों के उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस लिस्ट की जो पांचवी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है वध, और वध इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के एक्शन विराज भट्ट और राहुल देव जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म को रिलीज किया गया था 2 दिसंबर 2022 को। फिल्म को काफी मल्टीप्लेक्सेस में भी रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तो दोस्तों, ये थी 2022 की 5 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में। वैसे आपको इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।